हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रवि, रवि हैशटैग अध्ययन गृह चैनल। अभी आज के समय में लॉकडाउन के पीरियड में सभी बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं, जिसकी वजह से मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ये टॉपिक 6 से 10th क्लास के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 9th और 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के लिए ये पहले चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ है जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हम आज का टॉपिक है हमारा नंबर्स। पहला प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको दर्शाने के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं एन। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये वे संख्याएँ होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते चलते अनंत तक। इनमें कौन सी संख्या नहीं आती? कोई पॉइंट वाली संख्या, बटे वाली संख्या या माइनस वाली संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं आती। इसी प्रकार हमारा अगला नंबर है होल नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसे हम W से डिनोट करते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है और ये अनंत तक चलती है, अर्थात इसके अंदर प्राकृत संख्याएँ भी सम्मिलित होती हैं क्योंकि वो एक से शुरू होती हैं। इनमें भी 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती हैं और इनमें पॉइंट वाली, बटे वाली या माइनस वाली संख्याएं नहीं होती। आगे चलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है, 0 से दाईं ओर 1, 2, 3, 4 अनंत तक और 0 से बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। जो दाईं ओर संख्याएं हैं उन्हें हम धनात्मक और जो बाईं ओर संख्या हैं माइनस वाली उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसे हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं जो ऋणात्मक जो बाईं तरफ दर्शाई गई हैं माइनस एक से लेके इन्फिनिटी तक, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। नोट, इम्पॉर्टेंट बात, कोई दशमलव या भिन्न या परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। आगे चलते हैं दशमलव संख्या है। डेसिमल नंबर्स वो सभी नंबर जिनको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव दो तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनको हम यदि भाग करते हैं तो वह शांत हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं, जैसे 2.5 या 2.345, बस स्टॉप हो जाना चाहिए। अगला, अशांत भी दो तरह के होते हैं। अशांत में अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो पॉइंट के बाद की संख्याएं सेम टू सेम रिपीट होती जाती हैं, और अशांत अनावर्ती जो पॉइंट के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती, अलग अलग आती हैं और रुकती भी नहीं हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएँ सभी तरह की अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद स्वयं, जैसे 5। 5 सिर्फ अपने आप से भाग हो सकता है और 1 से भाग हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगला है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं, इन्हें हम क्यू से दर्शाते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बटा क्यू अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं, लेकिन क्यू जो कि नीचे आता है वह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जैसे 2/3, 0/3, 5/1, 1/5, -7/2 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यदि नीचे वाला अर्थात Q 0 आ जाए तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यह एक अपरिभाषित नंबर होगा। अगले पर आते हैं भाज्य संख्याएं, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य अतिरिक्त गुणनखंड भी होते हैं, जैसे 6। 1 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा और इसके अलावा
दो और तीन मतलब दो के अलावा और गुणनखंड मिलने से ये क्या बन जाता है? भाज्य संख्या। आठवां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटा क्यूब के रूप में अथवा भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पी क्यूब पूर्णांक होता है और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता। जैसे सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं, मतलब जितनी भी अशांत संख्याएं थीं और जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा था पॉइंट के बाद, वे सभी संख्याएं अपने आप में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। और सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं अगर वो अंडर रूट के अंदर आती हैं अर्थात वर्गमूल के अंदर आती हैं, तो वे सभी संख्याएं भी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इसे समझने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि कितने भी नंबर हो, चाहे दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर्स, इन सभी नंबर्स के पेयर, इन सभी पेयरों का, युग्मों का जो HCF होगा वो सिर्फ वन होगा, अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, हमेशा इसका वन होगा। तो वह संख्या क्या होगी? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 1, 5, 7 इनका HCF एक होगा, 5, 7 इनका भी एक होगा, 9, 11, 13, 17 इनका भी एक होगा, 9, 8 इनका भी एक होगा। अंतिम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसे हम 8 डिनोट करते हैं। जितनी भी संख्याएं हमने ऊपर पढ़ी वे सभी संख्याएं या इसके अलावा जो भी संख्याएं बची अर्थात सभी प्रकार की संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो बच्चों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और सिंपल सिंपल भाषा में छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको ऐसे ही देता रहूं। लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।